हिंदी में हम लोग के बुजुर्गों ने हम लोग की सभ्यता में एक कहावत है कि कथनी पर नहीं करनी पर जाइए। बोलने के लिए तो सब अच्छा ही बोलता है, हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए लेकिन भरोसा उस पर कीजिए जो हम कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो आपके आँख के सामने है। हम बीजेपी के बी टीम हैं कि नीतीश के बी टीम हैं, नीतीश कुमार की मूर्खता का इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि खुद ही बता रहे हैं कि 33 साल से हमने इन सारे समाज का हक मारकर हम बैठे हुए हैं, हमने इनको कुछ नहीं दिया। अगर कोई आदमी सत्ता चला रहा है और 30 वर्ष चलाने के बाद कहता है कि हमारा राज्य सबसे पिछड़ा है, आप तो यही बता रहे हैं कि आपको चलाने नहीं आया, क्योंकि 30 वर्ष पहले कई राज्यों में जहाँ मुख्यमंत्री बने उन्होंने तो अपने राज्य को आगे निकाल लिया, आप नहीं निकाल पाए तो दोषी आप ही हैं, आप ही को जनता अभी सबक सिखाएगी चुनाव आएगा तो। तेजस्वी यादव किस स्कूल में गए हैं और किसमें सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई उन्होंने की है वो तो उनको जनता को सार्वजनिक करना चाहिए। जहाँ तक जनता जानती है तो नवा भी पास नहीं किए, तो किस स्कूल में गए सेक्स एजुकेशन की उनको पढ़ाई हुई जिसमें ये बताया गया कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में खड़े होकर जनसंख्या नियंत्रण पर एक विशेष टिप्पणी करनी चाहिए। यह तेजस्वी यादव का भी ज्ञान का प्रदर्शन है, ये बताता है कि जब आप खुद विद्यालय नहीं गए हैं तो आपको यही लगेगा। मान लीजिए कि हम अंतरिक्ष में नहीं गए तो हमको नहीं मालूम है कि अंतरिक्ष में क्या होता है, तो तेजस्वी यादव जब खुद भी विद्यालय नहीं गए तो उनको मालूम क्या है कि विद्यालय में सेक्स एजुकेशन को कैसे पढ़ाया जाता है, समझ गए। इसमें क्या बहस है, 4 महीने के बाद चुनाव होगा, बिहार की जनता बहुत खुश है कि भैया सर्वे हो गया, अब हम लोग अमेरिका बन गए, अमेरिका बनने वाले हैं, हम लोग का जीवन सुधरने वाला है, तो सब लोग मिलकर नीतीश कुमार को वोट देगा। लेकिन अगर नहीं देगा तो उसके बाद पत्रकारिता छोड़ दोगे? नहीं सर, वही पूछना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को 5 से ज्यादा सीट आ गया तो हम ये काम छोड़ देंगे। तुम में अगर दम है, जनता की बात कह रहे हो, अगर आप में दम है तो आप ये कहिए कि ना भैया देश में राज्य में बहुत सब लोग जनता कहे ना सब लोग खुश है, वो लोग चाहते हैं कि हमारी जाति का बन जाए, वो लोग अरे आप विकास नहीं दे। आप लोगों के आप प्रवक्ता हैं? नहीं सर। आप समाज शास्त्री हैं? लोग का सर मानसिकता ऐसा, मानसिकता को आप कितना जानते हैं? पहली बात तो रोजगार को सरकारी नौकरी और रोजगार को जोड़कर देखने वाले लोगों की मूर्खता पर मुझे हंसी आती है। सरकारी नौकरी रोजगार का एक साधन है, ये पूरा रोजगार नहीं है। आप 13 करोड़ के जनसंख्या वाले बिहार में सरकारी नौकरी के जरिए लोगों को रोजगार खाली नहीं दे सकते। सरकारी नौकरी मिली है निश्चित तौर पर, 1,25,000 लोगों को सरकार ने नियुक्ति पत्र बांटा है, उसमें घोटाला हुआ किसको मिला नहीं मिला ये बात नहीं है। पहले ये समझिए क्या 1,25,000 लोगों को, नए लोगों को रोजगार नौकरी मिली है क्या? नहीं। 1,25,000 जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं उसमें आधा से ज़्यादा लोग वो लोग हैं जो पहले से शिक्षक के तौर पर, सरकारी शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे, उनका सर्विस कंडीशन बदला है। मतलब पहले वो नियोजित शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे, अब वो राज्य कर्मी के तौर पर, शिक्षक के तौर पर काम करेंगे, अब उनको कोई नए लोगों को नौकरी नहीं मिली है। दूसरा, जो बाकी बचे हुए लोग हैं उसमें एक बड़ी संख्या में वो बच्चे, उन बच्चों को नियुक्ति पत्र मिली है जो बिहार के बाहर के लोग हैं। तो 1,25,000 में बहुत छोटी एक संख्या है, कितनी एग्जैक्ट है वो तो सरकार आंकड़ा नहीं जारी कर रही है कि कितने नए बिहार के बच्चों को नौकरी मिली है। मेरा अपना अनुमान है कि वो संख्या 25-30,000 से ज़्यादा नहीं है, और इतने बड़े राज्य में 10,00,000 नौकरी का वादा करने वाले लोग अगर 30,000 नौकरी देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या अपना पीठ थपथपा रहे हैं तो इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती है। ये दोनों लोग, लालू जी और नीतीश जी, आज 32 वर्ष से बिहार में शासन कर रहे हैं। देश का बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज़्यादा भुखमरी और सबसे ज़्यादा अशिक्षा बेरोजगारी वाला राज्य है। 10 कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट दिया और अपना पीठ थपथपा लिया कि पूरा बिहार को हमने रोजगारमय कर दिया। ऐसे मूर्खता वाली बात, यही यहाँ के शासन चलाने का इन दोनों लोगों का नजरिया है। पूरे बिहार को अनपढ़ बनाओ, पूरे बिहार को मजदूर रखो, कुछ लोगों को 10-20-50 लोगों को रेवड़ी बांट दो और यही बता दो कि हमने विकास कर दिया।
ये नीतीश कुमार के यही विकास का मॉडल है। लालू जी का तो विकास का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो खुद ही नहीं कहते कि हम विकास पर हमारा नज़र है, वो तो खुद ही कहते हैं भैया हमारा काम हमारा एजेंडा सामाजिक न्याय है। तो पत्रकार होने के नाते ये सवाल जरूर पूछिए कि 1,25,000 लोगों को जो नियुक्ति पत्र दी गई उसमें कितने बिहार के नए लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है, कितने नए लोगों को ये नौकरी मिली। केंद्र सरकार को भी तो सर रोजगार देना चाहिए, इस हिसाब से वादा किया गया और इस बीच में मात्र 133 बिहार के युवाओं को रोजगार मिला है। देखिए ऐसा है, जब आप वोट देते हैं तो चाहे मुखिया का चुनाव कीजिए, विधायक का चुनाव कीजिए, सांसद का चुनाव कीजिए, राज्य में सरकार बनाइए कि केंद्र सरकार में चुनाव बनाइए सरकार बनाइए, सभी सरकारों की जिम्मेवारी है कि बिहार में लोगों की स्थिति को बेहतर बनाया जाए। केंद्र सरकार तो निश्चित तौर पर दोषी है भाई, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार 40 वर्ष रही तब तक बिहार में रोजगार मिला, केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब भी कुछ नहीं हुआ, आज मोदी की और एनडीए की सरकार है तब भी कुछ नहीं हुआ, बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार सरकार में थे तो भी कुछ नहीं हुआ, आज नीतीश और लालटेन साथ में तो भी कुछ नहीं हो रहा है। सरकारें चाहे किसी की हो, नतीजा वही है कि बिहार का बच्चा 2 करोड़ हर 1,25,000 के नियुक्ति पत्र के सामने, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं कि 2 करोड़ बिहार के बच्चे अपना घर परिवार छोड़कर सालों भर 10,000-15,000 रुपया की मजदूरी करने के लिए पूरे देश में धक्का खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, और आप 1,00,000 लोगों का नियुक्ति पत्र बांटकर 35 वर्ष इस पर राज कर रहे हैं, यहाँ पर 2,50,000 करोड़ का बजट लेकर बैठे हुए हैं और आप 1,25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटकर अपना पीठ थपथपा रहे हैं, हम लोग कहाँ रसातल में चले गए। ये लोगों की आशाओं को अपेक्षा को इतना दबा दिया गया है कि लोग कुछ मांगे ही नहीं। नीतीश कुमार या इनकी सरकार अगर कह रहे हैं कि 1,25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया तो ये भी तो पूछो कि भैया 2 करोड़ लोग जो मजदूरी कर रहे हैं उसका वो उनको कब रोजगार मिलेगा ये बताओ। केंद्र क्या कर रहा है, राज्य क्या कर रहा है, कुर्सी पर आप बैठे हैं तो आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। जातिगत सर्वे का जो सर रिपोर्ट दिया उससे मतलब रिपोर्ट दिया है तो उससे बता रहे हैं कि बहुत सारे जनता को जो फायदा होगा वो रिपोर्ट दे करके बता रहे हैं, लेकिन यहाँ का जनता पूरा खुश है कि मेरे जाति का अब नेता बनेगा तो उससे वो खुश है। इस मानसिकता को आप बिहार के लोगों की मानसिकता कैसे बदलिएगा। बिल्कुल ये ठीक मानसिकता है, जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी सत्ता में संसाधन में भागीदारी होनी चाहिए। रिपोर्ट नीतीश कुमार लेकर आए हैं, महागठबंधन की सरकार लेकर आई है, उसमें वो बता रहे हैं कि समाज का एक बड़ा वर्ग है जिसको भागीदारी नहीं मिली या उसको संसाधन का लाभ नहीं मिला। तो पिछले 33 वर्ष से सत्ता पर बैठा कौन है, नीतीश कुमार और लालू यादव। तो अगर भागीदारी नहीं मिली, हकमारी हुई, तो ये हकमारी किसने किया, इन्हीं दोनों लोगों ने किया है। भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि इनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिली तो आरजेडी को और नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए कि उनके दलों में कितने विधायक कितने सांसद इन वंचित वर्गों के हैं, कितने विधायक और विधायक जो जीत कर आए इन वंचित वर्गों से उन लोगों को इन लोगों ने सरकार में शामिल किया, मंत्रिपरिषद में शामिल किया, और जिनको मंत्री बनाया उनको कौन सा विभाग दिया। भाई आज बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़, 2,46,000 करोड़ में 60% बजट की राशि वाले विभाग सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों के पास है, वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो बिल्कुल सर्वे के हवाले से मैं भी मांग कर रहा हूँ कि जिन लोगों को भागीदारी नहीं मिली उनको तुरंत भागीदारी दीजिए, उनको मंत्रालय दीजिए, उनको जगह दीजिए। तेजस्वी यादव को अपना एक विभाग कम से कम छोड़कर किसी मुस्लिम भाई के मुस्लिम समाज के विधायक को देना चाहिए। नीतीश कुमार जिनके समाज की आबादी 2.5% है, अगर किसी समाज की आबादी 4, 5, 6 है तो उसको जगह देनी चाहिए, उसको वो विभाग देना चाहिए। तो अगर आप कह रहे हैं कि लाभ नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है, आप तो खुद ही अपना मुँह आईना दिखा अपना शक्ल दिखा रहे हैं आईना में कि हम ही ने हथमारी की है। 35 साल बहुत लंबा समय होता है, 35 साल में आपने अगर लोगों का हक मारा
तो ये तो अच्छी बात है, नीतीश कुमार की मूर्खता का इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि खुद ही बता रहे हैं कि 33 साल से हमने इन सारे समाज का हक मारकर हम बैठे हुए, हमने इनको कुछ नहीं दिया। अगर कोई आदमी सत्ता चला रहा है और 30 वर्ष चलाने के बाद कहता है कि हमारा राज्य सबसे पिछड़ा है, आप तो यही बता रहे हैं कि आपको चलाने नहीं आया, क्योंकि 30 वर्ष पहले कई राज्यों में जहाँ मुख्यमंत्री बने उन्होंने तो अपने राज्य को आगे निकाल लिया, आप नहीं निकाल पाए तो दोषी आप ही हैं, आप ही को जनता अभी सबक सिखाएगी चुनाव आएगा। कल विधानमंडल और विधान सभा और विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रजनन दर पे बयान देते देते जो बयान दिए हैं, और इससे पूर्व जो विपक्ष के नेता हैं सम्राट चौधरी, वो उनको मेमोरी लॉस CM कहते हैं, और कल जो मुख्यमंत्री का बयान है इसको कैसे देखते हैं? भैया मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ, जितना सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को जानते हैं या देश यहाँ राज्य में जितने लोग भी नीतीश कुमार को जानने का दावा करते हैं, उससे कम हम भी नीतीश कुमार को नहीं जानते। नीतीश कुमार पे उम्र का असर हो गया है, और उम्र के असर की वजह से और सामाजिक राजनीतिक तौर पर घिर गए हैं, अकेले पड़ गए हैं, अब उनको समझ में आ नहीं रहा है। तो आप कल की बात मत कीजिए, कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब कल उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है, या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूँ डिल्यूजनल हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं, और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, 2-4-5-6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है, सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हाराकिरी, कभी उलट के दाएं, कभी उलट के बाएं, आप उनका वक्तव्य उनका भाषण देखिए, जब राष्ट्रपति आए थी महामहिम के सामने खड़े होकर पोडियम से जब भाषण दे रहे हैं, तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं, कभी गाल खजुला रहे हैं, कभी बाल बना रहे हैं, मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिक तौर तरीका है वो भी नहीं है। और ये रोज की बात है, छपरा में लोग जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई, तो राज्य की मुखिया के होने के नाते शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहे हैं, जबकि जनता नीचे हंस रही है। हर गांव में हर घर में थू थू हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर, और ऊपर बैठे हुए जो वो है ना राजा की एक कहानी कि राजा जब को महंगे कपड़े का पहनने का शौक हुआ तो किसी ने बताया भैया और पतला और पतला, तो कोई बुनकर ने आकर ऐसा कह दिया बिना कपड़ा पहनाए ही उनको हाथी पर बैठा दिया। राजा घूम रहे हैं, लोग कह रहे वाह वाह कितना बढ़िया कितना बढ़िया, राजा नंगा घूम रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नंगा हूँ। तो नीतीश कुमार की वही हालत है, वो और उनके 4-5 दरबारी मिलकर बता रहे कि सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और नीतीश कुमार को लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया होते जा रहा हूँ। सच्चाई ये है कि जनता हंस रही है उनकी मूर्खता पर, उनकी अज्ञानता पर, उनकी नासमझी पर, उनके कुशासन पर, और उनको दिखेगा जब कोई आदमी खड़ा होकर कह देगा कि सर आपके शरीर पर तो वस्त्र ही नहीं है, और वो जनता को वो दिखाने का अवसर आएगा चुनाव में। चुनाव में जब उनका दल हारेगा तो दिखेगा उनको आईने के तरह कि उनके शरीर पर कुछ बचा ही नहीं, उनके दल का कुछ बचा ही नहीं है, जनता में कुछ बात उनके लिए बची नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने उसका उसको डिफेंड भी किया है, कहा है कि सेक्स एजुकेशन तो आमतौर पर स्कूलों में अब अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए। तेजस्वी यादव किस स्कूल में गए हैं और किसमें सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई उन्होंने की है, वो तो उनको जनता को सार्वजनिक करना चाहिए। जहाँ तक जनता जानती है, उतना नवा भी पास नहीं की है, तो किस स्कूल में गए सेक्स एजुकेशन की उनको पढ़ाई हुई, जिसमें ये बताया गया कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में खड़े होकर जनसंख्या नियंत्रण पर एक विशेष टिप्पणी करनी चाहिए। यह तेजस्वी यादव का भी ज्ञान का प्रदर्शन है, ये बताता है कि जब आप खुद विद्यालय नहीं गए हैं तो आपको यही लगेगा। मान लीजिए कि हम अंतरिक्ष में नहीं गए तो हमको नहीं मालूम है कि अंतरिक्ष में क्या होता है, तो तेजस्वी यादव जब खुद विद्यालय नहीं गए तो उनको मालूम क्या है कि विद्यालय में सेक्स एजुकेशन को कैसे पढ़ाया जाता है।
विद्यालय में सेक्स एजुकेशन में ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है, नहीं बताया जाता है उस भाषा में, उस वल्गैरिटी के साथ नहीं बताया जाता है जिस तरीके से इस राज्य का मुखिया खड़ा होकर विधानसभा में निर्लज बनकर इस राज्य में आधी आबादी महिलाओं की है और जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह के संदर्भ में उन्होंने बात की है, ये सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है। तो तेजस्वी यादव के ही विभाग पार्टी के यहाँ पर आजकल शिक्षा मंत्री यहाँ के सेक्स एजुकेशन में भी इसको शामिल कर दीजिए और देखिए कि घर घर में लोगों को जाकर ये भी तेजस्वी यादव भी ये सेक्स एजुकेशन ये शुरू कर दें पूरे पब्लिक के लिए, तो पता चलेगा कि पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है। जाके जरा बोले तो ये बात। आपका जो ये पद यात्रा है ये पिछड़े हुए बिहार के लिए बहुत जरूरी भी है, बहुत अच्छा भी है, इन पे लोग भरोसा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या भरोसा आगे जा करके ये फिर, क्योंकि बहुत सारे आदमी का ये भी कहना है कि ये बीजेपी का एजेंडा है या किसी और पार्टी में ये बाद में मेरे भाई ऐसा है मिल सकते हैं, आप इस पे कैसे भरोसा फिर उनको? बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। एक हिंदी में हम लोग के बुजुर्गों ने, हम लोग की सभ्यता में एक कहावत है कि कथनी पर नहीं करनी पर जाइए। बोलने के लिए तो सब अच्छा ही बोलता है, हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए, लेकिन भरोसा उस पर कीजिए जो हम कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो आपके आँख के सामने है, हम बीजेपी के बी टीम हैं कि नीतीश के बी टीम हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर जो दल हैं इनको मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है। भाजपा के डर से लालू को वोट मिल जाता है, लालू के डर से भाजपा को वोट मिल जाता है। जब मुफ्त में आपको शासन करने की आदत पड़ गई, वोट लेने की आदत पड़ गई, तो आपको तो डर ये हमेशा सताएगा कि कोई आदमी अगर खड़ा हो जाए, बिहार की जनता को कोई तीसरा रास्ता दिख जाए, तो इन दोनों की मुफ्त की दुकान बंद हो जाएगी। तो बाप बाप दोनों चिल्ला रहे हैं, भाई हमने तो कोई दल नहीं बनाया है, हम तो कहीं वोट नहीं मांग रहे हैं। आप किसी भी सभा में हमको दिखा दीजिए हमने कहा हो कि भाई वोट इनको दीजिए कि मत दीजिए, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि उनको वोट मत दीजिए। हम तो खाली जनता को ये कह रहे हैं कि जिन्होंने आपके बच्चों को मजदूर और अनपढ़ बनाया है उनको वोट मत दीजिए। इन लोगों ने तो बड़ा विकास किया है, इनको तो खुश होना चाहिए, इन्होंने तो बच्चों को पढ़ाया है, इन्होंने तो बिहार को आगे बढ़ाया है, इनको तो सबसे ज्यादा वोट, हम तो उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं, हम तो उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। भाई जिन नेताओं ने भी आपके बच्चों को पढ़ाया, रोजगार दिया, उनको वोट दीजिए। जिन नेताओं ने आपके हाथ बच्चों के हाथ से किताब हटाकर खिचड़ी का थाली पकड़ाया, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को मजदूर बनाया, उनको ठोकिए, झाड़ू मारकर भगाइए। तो नहीं कह रहे हैं किसको दीजिए किसको नहीं दीजिए। तो अगर वो कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि वही वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ के बच्चों को अशिक्षित, अनपढ़ और मजदूर बनाया है। अभी जातीय गणना का जो रिपोर्ट आया है उसमें 62% आरक्षण को बढ़ा करके 75% आरक्षण कर दिया है। तमाम लोगों का कहना है, जो विपक्ष के लोग सरकारी नौकरी में तो इसका इजाफा हुआ है, उस हिसाब से नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भी आरक्षण को लागू किया जाए, क्या आपको लगता है? मेरे भाई ऐसा है, पहली बात आप ये समझिए कि इस सर्वे का, ये जनगणना नहीं है सर्वे है, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। आरक्षण की जो व्यवस्था बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई है, वो किसी बिहार विधानसभा या किसी भी राज्य के विधानसभा के बाहर के का मामला है। बिहार सरकार अगर उसमें कुछ संशोधन करना चाहती है तो उनको करना चाहिए, अगर देश के कानून के अंतर्गत वो किया जा सकता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसकी जो संख्या है, अगर कोई समाज पीछे है तो उसको उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन उनके भागीदारी के नाम पर अपना घर भरने की जो बात है कि आप पूरे समाज की भागीदारी की बात कर रहे हैं और खुद ही लूट के अपने और अपने बच्चे बन बैठे हुए हैं। भाई नीतीश और लालू को छोड़कर पिछले 32 साल में बिहार में राज कौन कर रहा है? राज ये कर रहे हैं तो हकमारी किसने किया ये बता दीजिए हमको। राज अगर बिहार में नीतीश और लालू कर रहे हैं तो हकमारी तमिलनाडु का नेता आकर तो किया नहीं है। एक आंकड़ा तो आ गया ना। अरे आंकड़ा है तो बता तो रहे, आंकड़ा है यही तो दिखाया गया कि भाई तुम्हारे तो समाज के एक बड़े वर्ग को लाभ नहीं मिला, तो लाभ किसने नहीं दिया? आप पत्रकार हैं, आप लाभ दे दीजिएगा, जो सत्ता में बैठा उसी को न देना है, तो उससे सवाल ही नहीं पूछ रहे हो। जाना है दाहिने तो जाना है कलकत्ता, बैठ गए हो दिल्ली के ट्रेन पे। अगर समाज की हकमारी हुई है जो कि दिख रहा है, तो ये हकमारी करने वाले लोग कौन हैं? कौन है ये बताओ, सत्ता में कौन बैठा है? यही लोग बैठे हैं। तो बैठे हैं, तुमसे पूछ क्यों नहीं है कि सर अगर
तो 32 वर्ष के आंकड़े आए तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि आप 32 वर्ष से कह रहे हैं कि हम पिछड़े समाज का भला करने के लिए खड़ा है और उन्हीं पिछड़े समाज को आप वंचित करके कुर्सी पर बैठे हैं और एक दो साल से नहीं 32 साल से बैठे हैं, तो दोष किस पर लगा रहे हो भाई? दोष किस पर लगा रहे हो? दोषी तुम हो, तुम इस्तीफा दो। बिहार का जनता तो खुश है कि हमारे जाति का अब कितना खुश है भैया, आप कितना राजनीति जानते हो? अभी तो कुछ बरस से पत्रकारिता कर रहे होंगे आप, अगर आपको ज्यादा राजनीति समझ में आता है, हमको तो उतना नहीं समझ है। अभी 4 महीने के बाद चुनाव होगा और जनता खुश है तो इनको बहुत बहुमत से जिताएगी, तभी तो आपको सामने दिखेगा। क्योंकि सर जिस तरह से पिछला काम है सब लोग भुला दिए, पिछला काम है नहीं है, जाति जनगणना जाति सर्वे का जो रिपोर्ट आया, ये आपके दिमाग में, आपके दिमाग में ऐसा लगा हुआ है। अब कितने आदमी से दिन में मिलते हैं? हम भी तो सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ जितने लोग आते हैं सैकड़ों लोग, तो हमको कोई नहीं कहा कि भैया हम लोग का जीवन अब सुधरने वाला है क्योंकि जातीय सर्वे हो गया। हमको तो कोई नहीं एक आदमी भी बोला, आपको बोल रहा है तो आपको ज्यादा समझ है। और अगर मान लीजिए कि हमारी गलत समझ है, इसमें क्या बहस है? 4 महीने के बाद चुनाव होगा, बिहार की जनता बहुत खुश है कि भैया सर्वे हो गया, अब हम लोग अमेरिका बन गए, अमेरिका बनने वाले हैं, हम लोग का जीवन सुधरने वाला है, तो सब लोग मिलकर नीतीश कुमार को वोट देगा। लेकिन अगर नहीं देगा तो उसके बाद पत्रकारिता छोड़ दोगे? नहीं सर, वही पूछना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को 5 से ज्यादा सीट आ गया तो हम ये काम छोड़ देंगे। तो मैं अगर दम है, जनता की बात कह रहे हो, अगर आप में दम है तो आप ये कहिए कि ना भैया देश में राज्य में बहुत सब लोग जनता कहे ना सब लोग खुश है, वो लोग चाहते हैं कि हमारी जाति का बन जाए, वो लोग विकास नहीं दे। आप लोगों के आप प्रवक्ता है, आप समाज शास्त्री है, मानसिकता को आप कितना जानते हैं? आप अपना मानसिकता आपको पता नहीं है, लोग का मानसिकता बता रहे हैं। आपका काम लोगों का सवाल पूछना है, लोगों की क्या मानसिकता है उस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन इतने विश्वास है कि लोग क्या सोचते हैं अगर आप ही को मालूम है तो आप ही को सब मालूम है, फिर हमसे पूछने की जरूरत क्या है? हम तो वही बताएंगे जो हम समझते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि जातीय सर्वे से अगर कुछ हुआ है तो वो नीतीश कुमार का नुकसान हुआ है, जिसकी संख्या ज्यादा बताई गई वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमको भागीदारी दो, क्यों नहीं दे रहे हो? जिसकी संख्या कम बताई वो कह रहा है भैया हमारा संख्या इन्होंने कम कर दिया। दोनों ओर से लोग मारेंगे इनको और चुनाव परिणामों में आपको देखिएगा कि क्या होता है। सर, सीट शेयरिंग को लेकर के सीपीआई के मंच से नीतीश कुमार ने कहा था कि अब कांग्रेस को कोई ध्यान नहीं है, 5 राज्यों के चुनाव में लगे हुए हैं और सीट शेयरिंग का कोई। देखिए नीतीश कुमार क्या, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, नीतीश कुमार को आप लोग इतना बड़ा नेता बताते हैं बिहार में बैठ के, हम भी तो देश की राजनीति थोड़ा बहुत समझते हैं। 42 विधायक वाले एमपी के एमएलए के पार्टी को नीतीश कुमार को 75 साल की इस उम्र में पूछ कौन रहा है? आप लोग तो बिहार में हल्ला किए कि ये इंडिया के प्रधानमंत्री के फेस होंगे, संयोजक तक तो बनाया नहीं, इन्होंने नाम रखा दूसरा तो उसको हटा कर दिया इंडिया, ये गए बात करने, कुछ इनको कोई तरजीह भी नहीं मिली। ये तो खुद से मुँह मियाँ मिट्ठू होने वाली बात है, पर बिहार के पत्रकार जो हैं अपनी अज्ञानता कहिए या बिहार के प्रति उनका प्रेम है, उनको लगता है कि बिहार का ही कोई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नीतीश कुमार की क्या हैसियत है कि वो बन जाएंगे? भैया देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस अपना छोड़कर इनको क्यों बना देगी? दूसरे नंबर पर तृणमूल है, तृणमूल अपना छोड़कर इनको काहे मान लेगा? तीसरे नंबर पर डीएमके है, वो अपना छोड़कर इनको काहे मान लेगा? आप ही के मुंह में सबसे अच्छा सरकार का पर लगा है, आपको क्यों मान लेगा? आप क्या उस गठबंधन में ऐसा चीज ला रहे हैं जो दूसरा नहीं ला सकता है? अरे हम नहीं कह रहे हैं, पिछले 6 महीने में ही आप, हम तो साल भर से कह रहे हैं, आप लोग उछल रहे थे, पटना में बैठक हो गया तो नीतीश कौन संयोजक बनने वाले हैं, तो परसों प्रधानमंत्री के चेहरा बनने वाले हैं, तो 6 महीने के बाद शपथ लेने वाले हैं। अरे मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं वो भी नहीं बचने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने दीजिए, नीतीश कुमार की कहानी, राजनीतिक कहानी का अब अंत आ गया है। ये 5 मिनट लास्ट का जैसे पिक्चर में होता है ना, 5 मिनट का मार धार, तब अब क्लाइमेक्स चल रहा है, नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का कटाक्षेप होने वाला है। जातिगत जनगणना के बाद कल सरकार आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक निवेश किया, उसमें बिहार में 64% लोगों का आमदनी 10,000 से कम है, इसको कैसे देखो? भैया मैं रोज अपनी सभा में कहता हूँ
बिहार में 80% लोग, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। आप जो बता रहे हैं ये भी जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये हाउस होल्ड इनकम है, ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 80% बिहार के लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। और ये जानने के लिए हमको नीतीश कुमार का सर्वे देखने की जरूरत नहीं है, नेट पर ये डेटा है और देश और दुनिया के जो सबसे ऑथेंटिक डेटा सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं। नीतीश कुमार के फर्जी डेटा और उनके क्लेम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 80 लोग कहता है भैया अगर दिन का मजदूरी 300 है तो 100 रुपया कैसे है। अगर एक परिवार में एक आदमी को मजदूरी मिली 300 रुपया, उस परिवार में 5 आदमी है तो दिन में हर व्यक्ति पर कितना पड़ा, 60 रुपया। और उस आदमी को भी महीने में 15 दिन मजदूरी मिली तो एक व्यक्ति की प्रतिदिन आय कितनी हुई, 30 रुपया। जब यहाँ के आदमी को समझ ही नहीं है, यहाँ पर नेता वही है जिसको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है, जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने वही बिहार में नेता है, जो जीवन में क्लास में स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा वही यहाँ का नेता है। अब वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है, उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा यहाँ के महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि GDP तो सबसे ज़्यादा बिहार का है, उनको ये समझ में ही नहीं कि GDP है क्या। अगर बिहार का GDP सबसे ज़्यादा है तो 28वें नंबर पर कौन है भैया, GDP के मामले में पर कैपिटल GDP में आप देश में सबसे पिछड़े 28वें नंबर पर है। उप मुख्यमंत्री कैमरे पर कह रहे हैं कि हम लोग तो देश में सबसे ज़्यादा GDP हम लोग का है। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि सर GDP में ग्रोथ हम लोग का सबसे ज़्यादा है, तो GDP और GDP के ग्रोथ का अंतर भी नहीं समझ में आया, बोल दिया कि GDP देश में सबसे ज़्यादा है। तो जब आप विद्यालय में नहीं जाते हैं, जब जीवन में पढ़े नहीं, तो यही आपका दशा होगा। पिछली बार कब इन लोगों ने एक किताब पढ़ी होगी, वो इनको जारी करना चाहिए। जैसे सरकार का एक मैंडेट है ना कि भाई आपको बताना है कि कितना पैसा आप कमाए, आपका संपत्ति में क्या घट बढ़ हुआ। अगर मेरा बस चले तो एक नियम ये भी होना चाहिए कि जो नेता है कम से कम ये जारी करें कि भैया पिछले एक साल में आपने कौन सी एक पुस्तक पढ़ी, एक किताब पढ़ा। इन लोगों को क्या मतलब है इस चीज़ों से, गया उलूल जलूल बकवास किया, लोगों को जाति धर्म में बांटा, पैसा शराब बालू का काम किया, पैसा वसूल के टिकट बांटा, जात के नाम पर लोग गरीबी में मजबूरी में वोट दे देते हैं, उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। तो GDP का फुल फॉर्म अगर बिना कागज वगज देखे हुए तेजस्वी यादव लिख दें तो हम लोग मान जाएंगे कि भाई GDP होता क्या, जब खड़ा होकर बताइए GDP क्या होता है, बिहार का कितना है, कम है, ज़्यादा है, छोड़ दीजिए। अपने सब सलाहकारों की मदद लेने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव बिना कागज देखे हुए GDP को परिभाषित कर दें, GDP होता क्या है, GDP का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। वो पहले 4 दिन तैयारी करके खाली कैमरा पर आके समझा दें कि GDP कैलकुलेट कैसे होता है, ये क्या बताएंगे GDP की बात। और आप लोग भी बड़का सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव, फिर तेजस्वी यादव की क्या पहचान है, नवा फेल आदमी है, क्रिकेट खेलने गए तो उसमें पानी ढोते थे, कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया, लालू जी के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानता है, लालू जी के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता हैं, राहुल गांधी राजीव गांधी के लड़के इसलिए कांग्रेस के नेता, उससे देश के नेता थोड़े ना हो जाएंगे। आपके बाबूजी की पार्टी है तो कोई भी बन जाए, आपके बाबूजी का दुकान है तो आप पढ़िए चाहे लखेरा रहिए, जाके दुकान पर बैठ जाइएगा, दुकान का मालिक हो जाइएगा, उसमें आपकी योग्यता क्या है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।